तो भैया बॉलीवुड फिल्मों को लेकर सोशल मीडिया पर बॉयकॉट का ट्रेंड का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आए दिन किसी न किसी नए एक्टर को टारगेट किया जाता है। अब इस कड़ी में बॉलीवुड के क्रिश यानी ऋतिक रोशन की आने वाली फिल्म विक्रम बेथा का नाम शामिल हो चुका है, जिसे ट्विटर पर बॉयकॉट विक्रम बेथा नाम से ट्रेंड कराया जा रहा है। ऋतिक की फिल्म के बहिष्कार के पीछे की बहुत बड़ी वजह आई इस वीडियो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आमिर खान की, जो उनकी रिसेंटली मूवी आई लाल सिंह चड्ढा से सिनेमा में रिलीज हो गई है। आमिर की इस फिल्म को लेकर अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। इसी बीच हिंदी सिनेमा के दमदार एक्टर ऋतिक रोशन ने फिल्म देख ली है और उसकी तारीफ किया है। ऋतिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है, मैंने अभी लाल सिंह चड्ढा देखी है, यह फिल्म मेरे दिल को छू गई। प्लस माइनस एक तरफ यह बाकी खूबसूरत सुंदर फिल्म है, आई इस फिल्म को हम सब लोग देख लेते हैं। ऐसे में आमिर खान की स्टारर फिल्म लाल सिंह चड्ढा को तारीफ करना ऋतिक को बहुत भारी पड़ गया है। इसके बाद ट्विटर पर बॉयकॉट विक्रम बेथा के नाम से ट्रेंड शुरू हो चुका है, जिसके बाद ऋतिक रोशन के विक्रम बेथा के बहिष्कार की मांग लोग कर रहे हैं। यहाँ पर हम आपको बता दें, विक्रम बेथा साल 2017 में रिलीज हुई साउथ की सुपरहिट फिल्म विक्रम बेथा का ऑफिशियल रीमेक है। इस फिल्म में आर माधवन की जगह बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान होंगे, जबकि विजय सेतुपति की जगह ऋतिक रोशन नजर आने वाले हैं। विक्रम बेथा की शूटिंग का काम पूरा हो चुका है, अनुमान लगाया जा रहा है जब मूवी जो है बहुत ही जल्द आने वाला है 30 सितंबर 2022 का रिलीज होने वाले सिनेमाघर। फिलहाल आप क्या सोचते हो, क्या लोग इस मूवी का भी बॉयकॉट करने वाले? आप अपनी राय कमेंट कर सकते हो और भी इसे आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।